जरा गौर से देखिए इस शख्स को, ये आदमी नहीं बल्कि एक दरिंदा है जिसने कई बड़े बड़े गुनाह किए हैं और सीआईडी को इसकी तलाश है। जहां कहीं भी आपको दिखाई दे तुरंत इसकी सूचना सीआईडी को दे। लेकिन याद रखें, आप इससे लड़ने की कोशिश ना करें क्योंकि इससे आपकी जान को खतरा है। आजकल समाज में जुर्म कितना बढ़ता जा रहा है, आई होप सीआईडी से जल्द पकड़ ले। पुलिस और सीआईडी वाले तो पीछे पड़ गए। एक रात की बात है, अगर आज की रात में सीआईडी से बच गया तो कल सुबह होते ही शहर से दूर चला जाऊंगा। आज की रात यहीं काट लेता हूं। क्या इस लिफाफे में से लाइट कैसे आ रही थी? क्या वश फोन नहीं उठा रही क्या? नहीं यार, पहले तो कम से कम फोन की घंटी बज रही थी, अब तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है। एसएमएस का भी जवाब नहीं दिया? नहीं। स्ट्रेंज यार, इससे पहले तो यामिनी ने कभी ऐसा नहीं किया। जब कभी बिजी होती थी एटलीस्ट एक मैसेज तो कर ही देती थी वो। हो सकता है कि उसके फैमिली में कोई फंक्शन हो रहा होगा। हो सकता है यार, शायद उसकी शादी हो रही होगी। सॉरी यार, लेकिन जब भी मैं यामिनी की शादी की बात करता ना तेरे चेहरे का रंग उड़ जाता है। राघव, ये मजाक का वक्त नहीं है, ये सीरियस बात है। इस पर कौन आ सकता है? शायद यामिनी होगी, अपने दूल्हे के साथ आई होगी तेरा आशीर्वाद लेने के लिए। कौन हो तुम?
पीछे। क्या चाहते हो तुम? क्यों आए हो हमारे पास? ये तो गायब हो गई यार। ये एक आत्मा थी? हाँ, वो एक आत्मा थी और हमारे लिए कुछ छोड़ गई। ये क्या? एक चिट्ठी। चिट्ठी? ये क्या तरीका हुआ चिट्ठी लाने का? मैं तो कहता हूं ये जरूर एक डाकिया की आत्मा थी। इस पर एक डेट लिखी हुई है, जुलाई 1980। कितने बरस बीत गए पर मेरा इंतजार अब तक खत्म नहीं हुआ। इंतजार कर रही हूं मैं तुम्हारा। तुम्हें मेरा खत मिल गया होगा, अब तुम्हें आना ही होगा, आना ही होगा। मैं कहीं चला गया था यार। चला गया था? कहाँ चला गया था? पता नहीं, इस चिट्ठी ने मुझे कहीं भेज दिया था, पर कहाँ जगह तो नहीं पता, लेकिन एक घर था। उस घर में एक लड़की थी जो किसी का इंतजार कर रही थी। लड़की थी? क्या तुमने पहले कभी इस लड़की को देखा है? मैं ठीक से उसका चेहरा नहीं देख पाया। शायद ये लड़की ही वो आत्मा है जिसने हमें ये चिट्ठी भेजी है। हर शेफ वही लड़की है जो हमारा इंतजार कर रही है। हमें इस पंगे में नहीं पड़ना चाहिए। हर शेफ लड़की बाकी आत्माओं की तरह नहीं है, हमारी जान भी जा सकती है। मैं अभी इस चिट्ठी को चला देता हूँ। राघव, इस चिट्ठी को मत चला। क्या हुआ तुझे? पता नहीं यार, हाथ बहुत पेट से दर्द कर रहा है। राघव, इस चिट्ठी से हम इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकते। पता नहीं यार क्या होने वाला है, मुझे तो बड़ी वियर्ड फीलिंग आ रही है। राघव, हमें इस आत्मा की चुनौती स्वीकार करनी होगी। हमारे पास और कोई चारा नहीं। पर इसकी शुरुआत कहां से करेंगे? इस पोस्ट ऑफिस के स्टैंप के जरिए। यार, ये पोस्ट ऑफिस वालों की इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल सही निकली।
ये पोस्ट ऑफिस वाकई उस समय से बंद है जिस समय हमें वो चिट्ठी लिखी गई थी 1980। चलो चल कर देखते हैं, शायद वो आत्मा हमें यहां मिल जाए जो हमसे मिलना चाहती है। लेकिन यार अगर उस आत्मा को हमें मिलना ही है तो फिर खुद आकर क्यों नहीं मिलती? ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? वो तो उसे मिलकर ही पता चलेगा। एक काम करते हैं, इन कागजों और फाइलों में चेक करते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। ठीक है, तुम उन फाइल्स में देखो, मैं इस डेस्क के ड्रॉज में चेक करता हूं। यार यहां पे तो गड़बड़ लग रही, चल भागते हैं यहां से। ये आत्मा हमें सिर्फ डराने की कोशिश करेगी, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। लगता है ये भी एक आत्मा है। चलो इसी से ही पूछ लेते हैं इस चिट्ठी के बारे में। ये चिट्ठी इसी पोस्ट ऑफिस से आई है हमारे पास। क्या आप हमें बता सकते हैं कि चिट्ठी हमें किसने भेजी है? मिलना चाहोगे जिसने तुम्हें चिट्ठी लिखी? हाँ मिलना चाहते हैं। उसके लिए तुम दोनों को मरना होगा। में तो है, पता नहीं यार मुझे क्या हो गया था। हर्ष ये हम कहां गए? हम तो पोस्ट ऑफिस में थे। हाँ हम पोस्ट ऑफिस में थे, लेकिन पोस्ट ऑफिस में तुम्हारे अंदर एक शक्ति आ गई थी, एक अनजान शक्ति जिसके जरिए तुम उस आत्मा को मारने की कोशिश कर रहे थे। हर्ष जरूर इस चिट्ठी की वजह से वो शक्ति मेरे अंदर आ गई थी और अचानक से मैं अपने आप को ताकतवर महसूस करने लगा था। शायद ये चिट्ठी हम दोनों को अपने काबू में करने की कोशिश करी।
अगर जल्द से जल्द हम उस आत्मा से नहीं मिले तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। हर्ष, वो देखो। कौन? वो लड़की। राघव, राघव रुको। राघव, राघव रुको। राघव, राघव रुक। राघव, राघव। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। और लड़की, राघव, राघव उस लड़की का पीछा मत करो। राघव वो लड़की एक चलावा है हमें फंसाने के लिए। राघव, राघव क्या हुआ यार? हाँ राघव, उस लड़की को मैंने देखा था, वो मुझसे मदद मांग रही थी, उसकी जान को खतरा है राघव। मैं जानता हूँ यार, मैंने भी देखा था उस लड़की को, इनफैक्ट मैंने उसे यहाँ पर ढूंढने की कोशिश भी की, पर पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गई। राघव, राघव हो सकता है कि 30 साल पहले उस लड़की की मौत हो चुकी है और शायद वो हमसे इसीलिए मदद मांग रही है ताकि ताकि हम उसे इंसाफ दिलवा सके। यार इंसाफ तो हम उसे तब दिला पाएंगे ना जब हम उस तक पहुंच पाएंगे। राघव, तुमने अभी अभी उसे देखा था ना? चलो आसपास के लोगों से पूछ दे, कोई ना कोई जरूर जानता होगा उसके बारे में। यार इतनी सुनसान जगह पे कौवा भी नहीं आता होगा, तुझे इंसान कैसे मिलेंगे? मैं तो कहता हूं शांति से घर वापस लौटते, बैठते और सोचते कि उस तक पहुंचा कैसे जाए। ठीक है, आज तक हम आत्माओं का पीछा करता है, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि आत्मा हमारा पीछा कर रही है। हर्ष, वो देख, मतलब कि यहां पर कोई और भी है। आ गए तुम दोनों, कब से तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। पर वो कुछ मत कहो, ये वक्त कहने सुनने का नहीं, अंदर आ जाओ।
लगता है यहाँ आत्माओं की पार्टी चल रही है। उस कैलेंडर को देखो, जुलाई 1980 की डेट लगी हुई। ये लोग अभी भी 1980 में जी रहे? हाँ, शायद ये लोग वक्त के भंवर में फंसे हुए हैं। तुम्हें याद है उस चिट्ठी में भी जुलाई 1980 की डेट लिखी हुई थी। हाँ यार, हर्ष मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा पंगा लग रहा है। याद है तुझे उस औरत ने हमें क्या कहा था? उसे हमारा इंतजार था, और अभी अभी इस आदमी ने कहा कि वो भी हमारी राह देख रहा है। कुछ तो गड़बड़ है बॉस। तो ठीक कह रहा है, मुझे नहीं लगता कि हमें इस मामले में पढ़ना चाहिए। हम आत्माओं को सिर्फ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनसे लड़ नहीं सकते। चलो यहाँ से चलते हैं। ये जगह मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है राघव। हाँ यार, मुझे भी लग रहा है कि मैं पहले यहाँ पे आ चुका हूँ। राघव, वही लड़की। ए, रुको! अभी तो यहाँ थी, गायब कहाँ हो गए? मुझे लगता है हमारा बुरा सपना बहुत जल्दी सच होने वाला है। प्लीज मुझे बचा लो, मैं नहीं मरना चाहती। प्लीज मुझे बचा लो। ये तो यामिनी की आवाज है, लेकिन वो है का? हर्ष, राघव मुझे बचाओ। यामिनी, प्लीज मुझे बचाओ। यामिनी, यामिनी, प्लीज मुझे बचा लो। यामिनी, तुम्हारी हालत किसने किया ये? बोलो यामिनी, किसने किया ये? मैं नहीं मरना चाहती, प्लीज मुझे बचा लो। तुम्हें कुछ नहीं होगा यामिनी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये क्या हर्ष, हम तो इसे छू भी नहीं सकते, बचाएंगे कैसे? हर्ष मुझे बचा लो। शायद ये यामिनी की आत्मा है, हो सकता है इसका शरीर कहीं और। प्लीज मुझे बचा लो, मैं नहीं मरना चाहती, मैं नहीं मरना चाहती। यामिनी, यामिनी बताओ ये किसने किया? हम तुम्हें बचा लेंगे यामिनी। राघव, मैं नहीं मरना चाहती, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। यामिनी, यामिनी, ऐसा तो नहीं, ये सब चिट्ठी का खेल है, हमारी यामिनी को कुछ नहीं हुआ, ये सब एक ड्रामा में फंसाने का? हाँ नहीं राघव, नहीं, यामिनी किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है, मेरा दिल कह रहा है। अब शायद हम यामिनी तक पहुंच पाएंगे इस चिट्ठी के जरिए। पर हर्ष, वो 30 साल वाली पुरानी आत्मा? कोई आत्मा बात्मा नहीं, कोई आत्मा बात्मा नहीं, हमें इस खेल में फंसाया गया है, इस मौत के खेल में फंसाया गया है, जिसमें निशाने पर यामिनी खड़ी है और हमें उसे बचाना है। चलो कहाँ जा रहे हो? जश्न तो अभी शुरू हुआ है। अपने आंखें खुली रखो, हम बहुत जल्द डॉक्टर के पास पहुंचने वाले हैं। राघव, इसको क्या हो गया? हर्ष,
राघव, राघव उठो। राघव सामने एक घर है, वहां पर कोई ना कोई जरूर होगा हमारी मदद करने के लिए। राघव चलो चलो। राघव उठो। संभल कर। दरवाजा खोलिए। वो दोस्त है ना तुम्हारा, उसे मदद की सख्त जरूरत है। आपको कैसे पता? सवालों में वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी ले आओ उसे, उसकी जान को खतरा है। चुप। ये आप क्या कर रही हैं? तुम्हारे दोस्त की जान बचा रही हूं। इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए। उसके लिए? किसके लिए? रात बहुत हो चुकी है, सो जा। और सुबह तक तुम्हारा दोस्त भी ठीक हो जाएगा। लेकिन और हाँ, भूल कर भी इस कमरे के बाहर कदम मत निकालना, समझे? क्यों? जितना कहा है उतना मानो, कमरे के बाहर मत निकलो, ठीक है? बड़ी अजीब बात है। चलो कम से कम राघव की जान तो बचा ली इसने। तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे लिए ही रो रहा हूं। मेरे लिए? क्या? तुम्हारी मौत होने वाली है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी मौत का मतलब? Yeah!
नहीं रात, उसके पास मत जाओ, वो तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन। हर्ष, 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 हर्ष मुझे बचा यार, हर्ष मुझे मार देगा, हर्ष, हर्ष बचा मुझे। वो तुम्हें नहीं बचा सकता, राघव तुम मरने वाले। हर्ष, हर्ष ये क्या बोल रही है? तू मुझे बचाएगा नहीं है? हर्ष, 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 ये क्या हो गया? यामिनी की तस्वीर? लेकिन यामिनी की तस्वीर इस घर में क्या कर रही है? ये तो मलिका की तस्वीर है। यामिनी की जुड़ाव है, कहीं यामिनी इस मलिका के कब्जे में तो नहीं? हाँ, यामिनी मेरे कब्जे में, मलिका की, और तुम लोगों के पास वक्त बहुत कम है, अगर बचा सकते हो तो बचा लो यामिनी को, और हाँ राघव को भी। कौन है वहां पर? कौन है? राघव, शलाका, यहां पर जरूर कोई ना कोई है, मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। कौन है? कौन है वहां पे? राघव, राघव, हर्ष तुम ठीक तो हो? तुम कौन हो तुम? और मलिका की फोटो इस घर में क्या करी है? अब ये रोना धोना बंद करो और मेरे सवालों का जवाब दो, मेरे दोस्तों की जान खतरे में है, बोलो। बहुत हो चुका तुम्हारा नाटक, बताओ बताओ यामिनी और राघव को कहां छुपा के रखा है?
राघव, राघव, राघव ने ऐसा क्यों किया? उसने मुझ पर हमला क्यों किया? शायद मलिका की उस चिट्ठी ने उस पर वशीकरण कर दिया है। वो अपना होश खो बैठा है। तुम ठीक कह रहे हो, राघव पर चिट्ठी का वशीकरण हो गया। तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की। जो तुम मल्लिका के जाल में फंस गए, वो चिट्ठी तो सिर्फ एक जाल था, तुम लोगों को मौत के मुंह में बुलाने का। अब तो उसने राघव को भी तुम्हारा दुश्मन बना दिया। क्या राघव मेरा दुश्मन? हाँ, तुम दोनों के साथ यामिनी भी मरेगी। मुझे बहुत बुरा लगता है तुम जैसे भले लोगों के लिए, लेकिन मैं मजबूर हूं। अगर मैं मल्लिका के खिलाफ गई तो वो मुझे भी मार देगी। कुछ तो करिए। देखिए, आपकी मदद के बिना हम नहीं बच पाएंगे। मैं कुछ नहीं कर सकती। प्लीज प्लीज हमारी मदद करिए। हर्ष, अब तुम्हारी मौत नजदीक आ रही है। हर्ष, मैं कुछ नहीं कर सकती। मल्लिका और राघव तुम्हें जीने नहीं देंगे। रुक जाओ, रुक जाओ, मदद करो मेरी। रुक जाओ। राघव मुझे मार देगा और मल्लिका राघव को। यानी हम दोनों में से कोई भी यामिनी को नहीं बचा पाएगा। नहीं बचा पाएगा। पहले कि तू मुझे मारे, मैं तेरी जान ले लूंगा। यामिनी और राघव की जान बचाने के लिए मेरा खुद का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। सलाका, सलाका, वो राघव मुझे मारना चाहता था ना, जानती हूं मैं। उससे पहले कि वो लोग तुम्हें ढूंढ निकाले, चलो चलो मैं तुम्हें बाहर निकालती हूं। यामिनी और राघव, उनकी किस्मत में बचना नहीं लिखा, तुम अपनी फिक्र करो। चलो जल्दी, चलो चलो चलो। तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो ना? Ha ha ha!
धोखा दिया तुमने मुझे, पर मैं यामिनी को बचा के ही रहूंगा, चाहे उसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए। हर्ष, अगर तुझे मरने का इतना ही शौक है तो ठीक है, मैं तेरी ये इच्छा भी जल्दी पूरी कर लूंगी। जिस राघव को तू अपना दोस्त मानता है वही राघव तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। पर उससे पहले मैं चाहती हूं कि तेरी यामिनी के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूं। तुम्हारे दिल में उसके लिए बहुत प्यार है ना, वही प्यार आज खून के आंसू रोएगा। राघव, 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 होश में आ, होश में आ राघव, राघव, वो यामिनी को मार देगी, मार देगी यामिनी को, राघव, राघव अब मेरे वश में है, मैं इससे जो चाहू करा सकती हूँ। राघव, राघव ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हो रहा, मेरी वजह से, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। तू भी मुझे माफ कर दे मेरी बहना, हालांकि मैं तुझे नहीं मानना चाहती, पर अगर मैं तुझे नहीं मारूंगी तो मुझे तेरी शक्ति कैसे मिलेगी? शक्ति, शक्ति, और बिना तेरे शक्ति के मैं संसार के सबसे शक्तिशाली कैसे बनूंगी? यामिनी, यामिनी तुम्हारे पास भी वही शक्ति है जो मलिका के पास है। यामिनी, उस शक्ति का इस्तेमाल करो, मार दो उसे, मार दो मलिका को, मार दो उसे यामिनी, उस शक्ति का इस्तेमाल करो यामिनी। ये तू क्या कर रही है? यामिनी ये तो क्या कर रही है? पाप का विनाश। नहीं यामिनी, तू ऐसा नहीं कर सकती, मैं तेरी बहन हूं, तू मुझे नहीं मार सकती, तू ऐसा नहीं कर सकती। मुझे ये सब क्या हो गया था यार? मलिका ने तुम्हें अपने वश में कर लिया था, अब तो ठीक है ना? मार डाला मैंने उसे, मार डाला। अगर तुम उसे नहीं मारती यामिनी तो वो हम तीनों को मार देती। मलिका की मौत के साथ ही मेरा आत्माओं से लड़ने का मकसद पूरा हो चुका है। चलो अब हम अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नए सिरे से कर सकते हैं।
तुम ठीक कह रहे हो यार, इन आत्माओं से लड़ते लड़ते थक चुके हैं हम। वी नीड अ ब्रेक।